और ये सब सत्संग करके ध्रुव भी और पृथ्वी भी प्राचीन वर्ही भी प्रचेतागढ़ भी सत्संग करके भगवत प्राप्त हो गए। अब पृथ्वी का भार संभालने के लिए प्रियव्रत की आवश्यकता है। इनको व्रत अपना बहुत प्यारा रखता है प्रियव्रत। प्रियम व्रतम यस, जिनको व्रत ही बहुत प्यारा हो। स्वयं वो मनु ने देखा कि मैं तो धर्म का और भक्ति का मिश्रित आचार्य हूँ और नारद जी शुद्ध भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी शुद्ध भक्ति के आचार्य हैं और स्वयं वो मनु धर्म और भक्ति दोनों के आचार्य। तो मेरी बात मान करके तो अब प्रियव्रत लौटेंगे नहीं, क्योंकि वो नारद की शक्ति वे अपने पिता ब्रह्मा जी को लेकर ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु और ब्रह्मा के पुत्र नारद वे तो भाई भाई थे, बराबर पढ़ते थे और धर्माचार्य होने से स्वयंभू मनु कुछ बजरंग भी थे। तो ब्रह्मा के मुंह से वेद की वाणी निकलती है, वो वेद का जो वचन है वो नारद से भी ऊपर है और स्वयंभू मनु से भी ऊपर है। ब्रह्मा जी स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उनके सामने नारद जी को कुछ बोल नहीं सकते थे और स्वयं भगवान उनको लेकर के आए थे। उनको बताया कि भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, गृह भी पंचेन्द्रिय निग्रह दोषा प्रभव यदि मन में राग द्वेष बना हो, किसी की मोहब्बत लेकर के मन में जाए तो क्या करेंगे? जिससे मोहब्बत है उसकी याद करेंगे, किसी से दुश्मनी है उसको लेकर मन में जाए तो क्या करेंगे? किसकी दुश्मनी है जिससे दुश्मनी है उसकी याद करेंगे। इसलिए जब तक हृदय में राग द्वेष है तब तक वन में जाने से कोई लाभ नहीं है और घर में रह के भी तपस्या की जाए भगवान का भजन किया जाए तो वो परम कल्याणकारी है। ब्रह्मा जी के समझाने से प्रियव्रत ने मांगे और उन्होंने घर में भजन किया और घर में भजन करने से क्या उनकी महिमा, क्या ऐश्वर्य उनके अंदर आया। उन्होंने रजनीम अभी दिन रात्रि अभी दिनम कक्षा, मैं रात को भी दिन बना लूंगा, काल पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान के भजन से काल पर विजय प्राप्त हो जाती है। माने जन्म मरण इन सब दुखों से मनुष्य का छुटकारा हो जाता है भगवान की भजन से। काल से बाहर होकर तब भजन करने का आनंद आता है और नारायण स्वरूप में स्थित होकर के प्रियव्रत ने भजन किया। भगवान ने कहा प्रियव्रत तुमको ऐश्वर्य नहीं चाहिए तो लो हम तुमको अपना ऐश्वर्य देते। प्रियव्रत को मानो दूसरा ईश्वर बना दिया भगवान ने कृपा करके। ये एक पृथ्वी में अपने रथ के पहिए के द्वारा सात समुद्र और वो सात समुद्र भी स्थूल नहीं सूक्ष्म और नारायण सात दिन तक सूर्य का पीछा करना अपने रथ के द्वारा इतना सामर्थ्य इतना वीर्य भगवान के भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गड़बड़ हैं हम भक्त।
ईश्वर का ऐश्वर्य भी वो प्राप्त कर सकता है, रात को भी दिन बना सकता है, निर्विभाग पृथ्वी को विभागवती बना सकता है। नारायण तीन पीढ़ी जिसकी मन्वंतराधिक हो, पहले बताओ उसके बेटे की उम्र कितनी। राजा प्रियव्रत और उनके बेटे भी मनु, उनके बेटे भी मनु, उनके बेटे भी मनु, एक एक मन्वंतर में समझ लो 71 चतुर्युगी माने 44,30,000 वर्ष का 71 गुना, इतनी उम्र तक एक बेटा बन रहा, फिर दूसरा बेटा भी उसके बाद इतनी उम्र तक बन रहा, फिर तीसरा बेटा भी इतनी उम्र तक बन रहा, तीन पीढ़ी। और प्रियव्रत की जो आयु थी सो तो थी ही अरबों बरस। ये काल पर विजय राजा प्रियव्रत ने प्राप्त किया, पृथ्वी का सप्तौती विभाग बना करके देश पर विजय प्राप्त किया, और वो वीर्य उनके अंदर प्रकट हुआ। जो लोग शक्ति चाहते हैं, सामर्थ्य चाहते हैं, बल चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान क्या क्या देते हैं ये देखना हो तो नारायण प्रियव्रत का चरित्र पढ़े। परंतु वैराग्य भी ऐसा प्रियव्रत को दिया महाराज कि फिर अंत में छोड़ करके उसको फिर वे नारद जी के आश्रम में चले गए और भगवान का भजन अंत में उन्होंने किया। ये ईश्वर जो और वीर जो दोनों के निदर्शन है प्रियव्रत। और उसके बाद में अग्निद अद्भुत है कथा उनकी। वो अपने ब्रह्मचर्य में, अपनी तपस्या में इतने निष्ठावान थे, स्वयं भूव मनु का वंश आगे चले, इसके लिए ब्राह्मी शक्ति रूप अप्सरा अपनी उनके पास भेजी। वो स्वयं लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप थी। जब भगवान ने आग्निद्र के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को अप्सरा के रूप में उनके साथ भेज दिया, अपनी ब्राह्मी लक्ष्मी। वो वैष्णवी लक्ष्मी नहीं, ब्राह्मी लक्ष्मी बोलते हैं। और उनसे फिर नाभि पैदा हुए। नाभि के जीवन में इतना धर्म और इतना यश था कि उन्होंने यज्ञ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करके स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया। भगवत कृपा नारायण वंश पर, प्रियव्रत के वंश पर भगवत कृपा ऐसी रही कि ब्राह्मणों ने भगवान को यज्ञशाला में भगवान को प्रकट कर दिया और उनसे कह दिया कि हमारा यजमान आपको अपने पुत्र के रूप में चाहता है नाभि, और हम लोगों ने इसको हाँ कर दिया है कि हाँ भगवान तुम्हारे पुत्र होंगे, तो आप हम लोगों की इस प्रार्थना को पूरी कीजिए, हमारे वचन को सत्य कीजिए। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण के मुंह से जो निकल गया सो तो मेरे मुंह से निकला हुआ है, इतना बड़ा ये याज्ञिक धर्मात्मा यजमान और इतना ब्राह्मणों का भक्त तुम्हारी बात सुनने नहीं दे सकते। पर ज्ञान और वैराग्य के रूप में
साक्षात ऋषभ देव का जन्म हुआ। ये सब भगवान की आराधना का फल है। असल में धर्म का फल तो सभी पूरा होता है, ये बात वेदांती लोग जानते हैं। जब भगवान ही उनके मानस पुत्र बन जाए, परमात्मा सबका बाप है, किसी का बेटा नहीं है, परंतु तत्वज्ञ में ये सामर्थ्य है कि अपने मन को, मन में वो भगवान को पुत्र के रूप में बना रहते हैं और स्वयं पिता बन जाते हैं। वे अनुष्ठान होते हैं और परमात्मा का उनकी गोद में जन्म होता है, खेलते हैं, रहते हैं, लुप्त होते हैं और ऋषभदेव हो गए पुत्र। ऋषभदेव से इंद्र चाहते थे अपनी पुत्री का विवाह करना। देखो पंचम स्कंध में इस आग की कथा है, लेकिन व्यास किसी ऐसे वैसे के साथ तो लड़की का करना नहीं चाहिए। उसके बाल पुरुष सबका ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने 12 वर्ष तक वर्षा और ऋषभदेव जी ने अपने बल से वर्षा कर दी और जब इंद्र को विश्वास हो गया कि हाँ ये हमारा जमाई होने लायक है, तब उसके साथ अपने उनके साथ अपनी पुत्री जयंती का विवाह कर दिया। ऋषभदेव जी के संबंध में एक बात साधुओं के ध्यान में रखने लायक, वो भूलने लायक नहीं है। ऐसी दिव्य बात नारायण श्रीमद् भागवत में कही गई है कि ऋषभदेव जी सिद्ध होने पर भी, भगवत अवतार होने पर भी, राजा भरत के जन्मदाता होने पर भी, नव योगेश्वरों के जन्मदाता होने पर भी और नव खंड के अधिपतियों के जन्मदाता होने पर भी, 81 ब्राह्मणों के जन्मदाता होने पर भी, एकाशी जन्म जाते हैं, वे अपने मन पर विश्वास नहीं करते। अद्भुत है ये बात श्रीमद् भागवत की कि ऋषभदेव जी जैसा सिद्ध पुरुष, उनके सामने सब सिद्धियां आए, अणि महामन महान लगे महान गरिमा प्राप्ति प्राकाशित्व मुख्य मुख्य आठों सिद्धियां आई, 18 उपसिद्धियां आई, परंतु उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। लौट जा, वो चाहते तो छोटे हो जाते, चाहते तो बड़े हो जाते, नहीं चाहते तो हल्के हो जाते, चाहते तो भारी हो जाते, नहीं जो चाहे सो मिल जाए, जहाँ चाहे वहां पहुंच जाए, जो चाहे उसको जान ले, करें, ये सब हमको नहीं चाहिए। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि इन सिद्धियों को ऋषभदेव जी ने स्वीकार क्यों नहीं किया। तो कहते हैं बाबा ये मन बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई है तो ये अपना मन ही है। चील की तरह भी ऊपर उड़े और गिरती है मांस के टुकड़े पर, ये मन कितना भी सिद्ध हो जाए तो गिरता है छोटी छोटी चीज में। इसी से इसका विश्रम, इसका विश्वास महात्मा लोग कहते हैं, न कुर्यात् कर्चित् सख्यम् मनसि हि यदवस्थिते यद् विश्रम्भात् चिरात् जीर्णम् तस्कन्द तप ऐश्वरम्। मन के साथ मित्रता न करने, हमेशा इसकी देखभाल रखनी चाहिए। सीआईडी पर भी सीआईडी लगा के रखा जाता है, ये कब कहां किस चीज पर लग्गू हो जाता है, मन में आता है
तेरा देख लेने में क्या हानि है, देखना कोई पाप है? फिर मन में आता है कि वो दो बात कर लें तो बात करने में क्या कोई पाप है? तो बोले जरा छू लें, इसमें कौन सा पाप है? और तो बात करने गए, छूने गए और नारायण गड्ढे में गए, न कुर्यात् कर्चित् सख्यम् मनसि यनवस्थिते। मन अत्यंत चंचल है, अनवस्थित है, एक जगह टिकता नहीं है। महाराज महाभारत में एक जगह ऐसा प्रसंग आया है, षष्ठोपि मम रोचते। द्रौपदी को मालूम नहीं था कि कर्ण भी पंच पांडवों के सगे भाई में छूटे हैं। जब उसको मालूम पड़ा तो उसके मुंह से निकला षष्ठोपि मम रोचते। षष्ठोपि रोचते मध्यम, मन नया 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 अनुसंधान करता है, अनवस्थित है, इसलिए इसके साथ मित्रता नहीं करना। यद विश्रम्भा चिराग चीर्णम सस्कंद तप ऐश्वरम। इस मन पर विश्वास करने के कारण शंकर जी ने कहा मैंने तो काम को जला दिया है, अब मेरे लिए काम का क्या डर है? तो मन पर विश्वास कर लिया उन्होंने कि मेरे मन में कभी काम नहीं आएगा। चिराग चीर्णम चस्कंद तप ईश्वरम, ईश्वरीय तप जो है, ईश्वर का जो तप है, चिर चीर्ण अभ्यस्त जीवन में वो भी चस्कंद खलित है। ये बात नारायण बहुत ही ध्यान देने योग्य है। हम लोग जो समझते हैं कि हमारे मन में कोई बुराई नहीं आवेगी, कोई विकार नहीं आवेगा, ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, अपने मन पर ऐसा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। ये साधु के लिए भी, बुढ़े के लिए भी, तपस्वी के लिए भी, योगी के लिए भी, नारायण सौभरी आदि परम योगियों के लिए भी, ये बड़ा भारी धोखे बाद अपने घर में बैठा हुआ। नारायण तो स्वरूप में स्थिति, माने भगवत स्वरूप में स्थिति। इसके बाद महाराज भगवान की उपासना के द्वारा राजा अमृत ने अपने धर्मानुष्ठान से प्रकृति पर विजय प्राप्त। इतना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी उपासना। भागवत के मूल में आया है निरंतर यज्ञ जाग में लगे ही रहते थे राजा भरत। यज्ञ हो रहा है, प्रचरस्थ जागेश, एक दिन भी ऐसा खाली न जाए जिसमें यज्ञ न हो रहा हो। तो वो एक प्रश्न वहां उठाया है, कर्म का फल तो कर्ता को मिलता है, देवता लोगों को कैसे मिलता? आहुति देते हैं इंद्राय स्वाहा और आहुति दे यजमान, तो उस आहुति के दान का फल यजमान को मिलेगा, उस आहुति का भोग इंद्र कैसे करेंगे? कर्मकांड में हमारे जरम मीमांसकों का यही पक्ष है कि कर्म का फल कर्ता को ही मिलता है, न तो देवता के विग्रह होता है, न तो वो आहुति ग्रहण करता है, न तो उससे तृप्ति होती है, न तो प्रसन्न होता है और न तो वरदान देता है। बड़े बूढ़े बूढ़े जो मीमांसक है उनका मत, यहाँ तक कि जैमिनी के साथ साथ सबरस स्वामी का मत भी ऐसे ही लगता है। तो उनका भी हृदय देवता के पक्ष में है, ऐसा पीछे के भी मांसिकों ने, खंडदेव आदि ने इसका प्रतिपादन किया है। अस्तु, कब वो प्रसंग अलग है।
श्रीमद् भागवत का कहना है कि नहीं नहीं, इसमें एक रहस्य दूसरा, वो रहस्य क्या है कि यजमान के हृदय में भगवान ही बैठते हैं और उसका हाथ उठा करके वही हविष्य अग्निकुंड में डालते हैं और भगवान ही देवता के शरीर में बैठते हैं और वही उसके रूप में हविष्य ग्रहण करते हैं। यहाँ दाता और गृहीता दोनों एक ही हैं, इसलिए कर्ता को कर्म का फल मिलता है तो भगवान ही यजमान के शरीर में करता है और वही देवता के शरीर में भोगता है, इसलिए कर्म का फल कर्ता को ही मिलता है। इस नियम में कोई त्रुटि नहीं आई क्योंकि वही आहुति देते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये बात इसलिए सुना दी कि भागवत में हल्के फुल्के सिद्धांत नहीं, ये मूल नहीं है, जब गौर से पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। जो कर्ता का अंतर्यामी है वही देवता का अंतर्यामी है और असल में भगवान ही देता है, भगवान ही देता है, ये भागवत सिद्धांत है, ये कर्मकांडियों का सिद्धांत नहीं है। परंतु महाराज ऐसे राजा भरत के जीवन में भी जब आसक्ति आ जाती है और सो भी एक हरिण के बालक के हरिण शावक है, अरे कितने डर की बात है, इतना त्याग, राष्ट्र का त्याग किया महाराज, एक छत्र सम्राट पृथ्वी का, उसने राज्य का परित्याग किया, उसी के नाम से ये भारत वर्ष बना और नारायण राज्य का त्याग करने के बाद एक नन्हे मुन्ने हरिण के बच्चे में फंस गया और इसके कारण फिर हरिण का जन्म लेना पड़ा। ये मन कितना दुर्दबाज है। और वहां भी हरे नमः हरिण जीवन में भी उपासना बनी रही और अंततो गत्वा वही जड़ भरत हुए, तब जाकर के कहीं वो समता आई महाराज, वो समत्व आया कि डाकू सिर काटने को तैयार है देवी को बरी देने के लिए और सिर चुकाए खड़े हैं, जिसने हमें स्नान कराया, चंदन लगाया, वस्त्र धारण कराया, पूजा करी है, अरे ये भी एक पूजा है, सिर कटवाने के लिए तैयार और देवी से सहन नहीं हुआ, उच्च चाट वस्त्र काली और उन्होंने ठाकी, जिन्होंने राजा रघुगण के लिए नारायण भिन्न भिन्न सिद्धांतों का खंडन करके खंडन है उनके उपदेश देश, वैशेषिकों का भी खंडन है, सांख्यों का भी खंडन है, परमाणुवाद का स्पष्ट खंडन खंडन है, एवं निरुक्तम क्षिति शब्द वृत्तम असंधाना परमाणु बोधे अविद्या मनसा कल्पितास्ते जेसाम समूहे न कृतो विशेष। सांख्य का खंडन है, वैशेषिक का खंडन, नास्तिक का खंडन है और एक अद्वैत प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का निरूपण है, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम् अनंतरं स्वबहिर्ब्रह्म तत्त्वे। तो ईश्वर स्थिति है, देश स्थिति तो सात द्वीप की पृथ्वी बनाने से, देश की स्थिति, काल की स्थिति तीन मन्वंतर का बेटा बनाने से और स्वरूप की स्थिति जो है नारायण परमात्मा की प्रतिष्ठा से, उसके बाद भौतिक भौगोलिक और ऐतिहासिक भूगोल खगोल का वर्णन करके देश का वर्णन किया गया है। छठे स्कंध के विभाग हैं नाम प्रधान, तीन अध्याय नाम प्रधान है, नाम कीर्तन करो, नाम स्मरण करो, नाम का कीर्तन, नाम का स्मरण, नाम का जप,
ये परम कल्याणकारी है। तीन अध्यायों में नाम की महिमा है और 14 अध्यायों में भगवान के 14 प्रकार के रूप का वर्णन है और 2 अध्यायों में उनके पूजा का वर्णन है। द्वितीय के प्रसंग में 2 अध्याय 18 और 19 में पूजा का वर्णन है। उसके पहले 14 अध्यायों में भगवान के रूप का वर्णन है, 14 और 2 16 हो जाता है, और 3 जो पहले है अजामिल के प्रसंग के वे नाम के 3 अध्याय हैं। इस तरह 19 अध्यायों में छठा स्कंध पूरा होता है, नाम प्रसंग, रूप प्रसंग और पूजा प्रसंग। ये 3 प्रसंग भागवत के 6 अध्याय में है। नाम के संबंध में ये निर्णय है कि जैसे कैसे भी भगवान का नाम आ जाए। स्वयं भगवान अपना नाम बनाते हैं और स्वयं जप भी करते हैं, ये तो उपनिषद में ही है। नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते, स्वयं अपने नाम बनाते हैं भगवान और स्वयं भगवान उनका जप करते हैं। यदि भगवान जप न करें अपने नाम का तो कौन करेगा। और मृत्यु के पूर्व जान में अनजान में कैसे भी भगवान नाम का उच्चारण हो जाए और उसके बाद नामोच्चारण के पश्चात और मृत्यु के पहले पाप न हो। वो नारायण वो नाम उसको मुक्त कर देता है, कल्याण हो जाता है। रूप का प्रसंग जो 6 स्कंध में है वो तो बहुत ही विलक्षण है। देह देह विभागो यम अविवेक कृतः पुरा, जाति व्यक्ति विभागो यम यथा वस्तुनि कल्पितः, जैसे वस्तु में मृत्तिका में घट और घटत्व ये दोनों ही कल्पित हैं, इसी प्रकार देह और देही श्री कृष्ण में जैसे हम लोग मानते हैं ना, ये मरने के बाद प्राण निकल जाने के बाद शरीर मुर्दा हो जाता है, तो एक तो मुर्दा शरीर है और एक इसमें देही जीव है जिसके निकल जाने पर ये शरीर मुर्दा होता है। तो एक तो मुर्दा शरीर और एक इसमें चेतन जीव के रूप में रहने वाला जीव। बोले अब ईश्वर का शरीर भी ऐसे ही होगा, राम का शरीर भी ऐसे ही होगा, विष्णु का शरीर भी ऐसे ही होगा, उसमें से भी जब वो निकल जाएंगे तो मुर्दा हो जाएगा। बोले नहीं, देह देह विभागो यम अविवेक कृतः पुरा, ये अज्ञान जनित विभाग है देह देही का। जैसे मृत्तिका में घट और घटत्व का विभाग नहीं है, वैसे सच्चित गण आनंद सच्चिदानंद गण परमेश्वर में देह देही का विभाग नहीं है। अस्थि और नास्ति ये सब बातें तो नारायण दिमाग में आती जाती रहती है, परमात्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। अस्थि की नास्ति की जो वस्तुनिष्ठयो हो, एक अस्थयो भिन्न विरुद्ध धर्मयो हो, अवेक्षितम किंचन शांत जुगे हो, परम अनुकूलम बृहत्तर परमात्मा का स्वरूप हुआ है जिसमें अस्थि नास्ति की गति नहीं है। अस्थि नास्ति तो विषय के संबंध में होते हैं, अस्थि नास्ति का प्रकाशक जो परमात्मा है उसमें नहीं होता है। कहने का हमारे अभिप्राय इसलिए सुना रहे हैं कि ये भागवत का एक दृष्टिकोण तो ये है सर्वलोक ग्राह्य है, बड़ा रोचक, बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी मधुर मधुर कथाएं, और दूसरी ओर गंभीरता के अंत के भी अंतस्थल में, अंतरदेश के भी अंतरदेश में प्रवेश करें तो वहाँ श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व की, भगवत स्वरूप की धारा बहती रहती है। 7वें स्कंद में भी 5 पहले अध्याय आध्यात्मिक हैं और दूसरे 5 आदिदैविक हैं जिसमें नृसिंह का प्राकट्य हुआ, और तीसरे 5 आदि भौतिक हैं जिसमें धर्म का वर्णन है। तो नारायण उपदेश प्रधान पहले के 5 अध्याय हैं, देवता प्रधान बीच के 5 अध्याय हैं, और नारायण धर्मानुष्ठान प्रधान अंत के 5 अध्याय हैं। इस प्रकार
सातवें स्कंद में भी इतनी गंभीरता से तत्व का मुक्ति का निरूपण है कि देख करके आश्चर्य हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा को प्रेम से सुने, उसको समझे, उसका मनन करें, उसको हो जो तत्व वेद में है, उपनिषद में है, वेदांत में है, सारे शास्त्रों में है, उनका सार सार श्रीमद् भागवत में संचित है। और उसको जो लोग पैसे के लिए नहीं, इससे कोई भौतिक कार्य करने के लिए नहीं, कि भागवत सुनेंगे तो एक अस्पताल बना देंगे, भागवत सुनेंगे तो एक विद्यालय बना देंगे, एक अन्न क्षेत्र खोल देंगे, है ना। भागवत जैसी महत्वपूर्ण, जैसे हाथी से हल जुतवाना होता है, वैसे नारायण श्रीमद् भागवत जैसे भगवत स्वरूप प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के रूप में श्रीमद् भागवत, उसको लौकिक छोटी मोटी वस्तुओं के लिए उसका प्रयोग करना नारायण, ये व्यापारियों को ही शोभा देता है। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें तो श्रीमद् भागवत से भगवत भक्ति और भगवत स्वरूप के अनुभव के लिए ही प्रयास करना चाहिए। ओम शांति।